तो फ्रेंड्स, आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं जैम, वो भी इमली का, जो बहुत ही टेस्टी है और खट्टे मीठे फ्लेवर का है। और ये हमने एक डिमांड पर बनाया है। देख सकते हैं आप, इसकी कंसिस्टेंसी एकदम जैम के जैसी है और बहुत ही इजी तरीका भी है इसको बनाना, टफ नहीं है। तो चलिए देखते हैं कि इसका मेथड क्या है और इसको किस तरह से बनाया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये एकदम फ्रेश इमली ले लेंगे और इसके ऊपर से छिलका उतार लेंगे। मार्केट में छिलका उतरी हुई इमली आती है, तो मार्केट से अगर आप मंगवाते हैं तो उस पर छिलका नहीं होगा। उसको भिगोना है। भिगोने के लिए इसमें हमने ऊपर पानी इसको डाल लिया है। इसमें इसको हम पहले एक बार वॉश कर लेंगे, क्योंकि छिलका निकालते पे अक्सर ऐसा होता है कि उसमें गंदगी होती है। तो एक बार इसे हम धो लेंगे और उसके बाद में इसमें पानी डालेंगे। इसे धो लिया है, इसमें पानी डाल देंगे। पानी हमें बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, बस इतना डालना है कि अच्छे से ये इसके अंदर भीग जाए। 4-5 घंटों के अंदर ये अच्छे से भीग जाएगी। और अब ये इमली अच्छे से फूल चुकी है, अच्छे ही इसको मैश कर लेंगे और फिर एक स्ट्रेनर की हेल्प से छानकर इसका पल्प इसमें से निकाल लेंगे। और अब ये इमली का पल्प निकाल लिया है, चलिए आगे का प्रोसेस करते हैं। उसमें ये इमली का पल्प ऐड कर देंगे। इसके साथ ही एक अच्छी क्वांटिटी में हम ऐड करेंगे शुगर और इसके साथ ही हम थोड़ा इसमें गुड़ भी ऐड कर देंगे। आप चाहें तो सिर्फ गुड़ का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम इसमें शुगर और गुड़ दोनों ही डालेंगे। शुगर को जब आप इसमें डालें तो देख लें कि उसमें किसी तरह की कोई गंदगी ना हो, यानी कि शुगर आप एकदम साफ़ सुथरी लें। गैस को लो कर दिया है और यहाँ पर अब हम ऐड करेंगे लेमन जूस। लेमन जूस डालेंगे इसमें, जिससे शुगर के वापस क्रिस्टल ना बने, और जूस को छान लेंगे जिससे बीज इसके अंदर ना जाएं। ठीक होना स्टार्ट हो गई है। ये हाई फ्लेम पर इसको पकाएंगे, क्योंकि इसे हमें थिक करना है। और जब तक ये बैटर तैयार कर लेते हैं, ये कॉर्नफ्लोर है और इसका एक बैटर बना लेंगे। बैटर को छानकर इसमें ऐड कर देंगे। ध्यान रखें फ्रेंड्स, जब आप कोई थिकनेस के लिए चीज़ डालें तो फ्लेम को हमेशा ही लो कर दें, क्योंकि थिकनेस स्टार्ट हो जाती है एकदम, तो उसमें लम्स ना पड़े। इस वजह से आप गैस को लो कर दें। ज़्यादा कॉर्नफ्लोर का यूज़ नहीं किया है और ना ही बहुत ज़्यादा कॉर्नफ्लोर का यूज़ करना है, क्योंकि इससे फिर इमली का फ्लेवर जो है वो कम हो जाएगा। सिर्फ हल्की सी थिकनेस की वजह से इसको हमने ऐड किया है और आप देख रहे हैं डालने के बाद भी बहुत ज़्यादा थिक नहीं है, इसलिए इसको हम गाढ़ा करेंगे। और अब ये धीरे धीरे पकते हुए एकदम थिक हो चुका है। डालने के बाद में इसको हाई पे नहीं पकाया है, गैस एकदम लो कर दी थी, और 10-12-15 मिनट पकने के बाद में ये ऐसा स्मूथ एकदम थिक सा हो गया है, जो देखने में सच में बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और अब हम गैस को ऑफ कर देंगे, क्योंकि इससे ज़्यादा थिकनेस की हमें ज़रूरत नहीं है। बोल में पलटना है, इसलिए ये गर्म है और इसे ठंडा होना है। ठंडा होने के बाद इसकी थिकनेस और बढ़ेगी, और ठंडा होने के बाद इसको हम उठा के रख देंगे फ्रिज में कम से कम 3 से 4 दिन के लिए, और उसके बाद इसकी थिकनेस हम आपको दिखाएंगे, जो आपको बिल्कुल ही जैम के जैसी लगेगी। तो वेट करते हैं 4 से 5 दिन या 4 दिन तक का, हम चेक करते रहेंगे फ्रिज में रखने के बाद में इसकी थिकनेस कितनी बढ़ रही है, फिर आपको ये दिखाते हैं। आज हमने इसको 5वें दिन फ्रिज में से निकाला है और देख सकते हैं आप इसकी थिकनेस, हम आपको दिखाते हैं। ये एकदम जैम के जैसा थिक हो चुका है और अब हम आपको बोल में भी पलट के दिखाते हैं, एकदम तैयार है। और फ्रेंड्स, इस तरह से आप ये इमली का जैम बनाएं।
खट्टा मीठा जैम बहुत टेस्टी होता है और बहुत अच्छा लगता है। आप इसको पापे पर ब्रेड पर लगाकर खा सकते हैं। चलिए एक स्लाइस पे लगा के हम आपको दिखाते हैं। जिस तरह से हम जैम लेते हैं बिल्कुल उस और स्प्रेड कर देंगे इस तरह से स्लाइस के ऊपर, इस तरह से ये लग गया स्लाइस पर जैम। और फ्रेंड्स ये थी हमारी रेसिपी इमली के जैम की, जो बहुत टेस्टी है खट्टा और मीठा फ्लेवर का, और इस तरह से आप इसको ट्राई कर सकते हैं। और फ्रेंड्स अगर आपको हमारी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो ज़रूर ट्राई करें और फिर अपने कमेंट्स में ज़रूर देंगे आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, लेकिन उससे पहले देखते हैं आज का हमारा टिप। और टिप है फ्रेंड्स, जब भी आप माइक्रोवेव में चावल को गर्म कर रहे हैं तो उसके ऊपर थोड़ा सा पानी छिड़क लें, तो उससे वो अच्छे सॉफ्ट हो जाएंगे और एकदम ताज़े जैसे गर्म हो जाएंगे। अगर आप उसको बिना पानी छिड़के ऐसे ही गर्म कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि चावल टाइट हो जाएगा और उसकी सॉफ्टनेस ख़त्म हो जाएगी। इसी तरह से आप अगर पैन वगैरह में चावल डाल के गर्म कर रहे हैं तब भी आप पैन में डालने के बाद हल्का सा पानी लें और ऊपर से छिड़क दें, और उसके बाद में किसी ढक्कन से कवर कर दें पैन को, और उसके बाद में एकदम स्लो पर यानी कि सिम फ्लेम पर आप उसको गर्म करें। उसके बाद में आप देखेंगे कि चावल एकदम ताज़े और सॉफ्ट हो जाए। आज का टिप, नेक्स्ट वीडियो में नए टिप के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए।